उत्तराखंड समस्त भारत में अपनी भौगोलिक सुंदरता के लिए ही नहीं, अपनी विविध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति जनमानस और प्रकृति के अद्भुत तालमेल का संगम है, जो यहाँ के सिवाय कहीं और देखने को नहीं मिलता। दैवीय स्थलों और प्राकृतिक धरोहरों से संपन्न यह क्षेत्र अपनी लोक संस्कृति को शालीनता के साथ सहेजे है। यहाँ के लोकगीतों की तरह ही लोक नृत्यों में भी कमाल की विविधता है। उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक लोक नृत्य छलिया नृत्य है। छलिया नृत्य को छोलिया भी कहा जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का प्रचलित लोक नृत्य है। यह एक तलवार नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः शादी बारातों या अन्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। यह कुमाऊं के पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिलों में विशेष लोकप्रियता से मनाया जाता है। इस नृत्य में 22 कलाकार होते हैं, जिनमें 8 नर्तक और 14 संगीतकार होते हैं। नर्तक युद्ध जैसे संगीत की धुन पर क्रमबद्ध तरीके से तलवार व ढाल चलाते हैं, जो कि अपने साथी नर्तकों के साथ नकली लड़ाई करते हैं। नृत्य के समय नर्तकों के चेहरे पर उग्र भाव रहते हैं, जो युद्ध में जा रहे सैनिकों के जैसे प्रतीत होते हैं। इस दौरान नर्तक कुमाऊनी पारंपरिक पोशाक सफ़ेद चूड़ीदार पैजामा, सिर पर टांका और चोला पहनते हैं, साथ ही चेहरे पर चंदन का पेस्ट लगाते हैं। यह पोशाक तलवार और ढाल के साथ कुमाऊं के प्राचीन योद्धाओं के समान होती है। माना जाता है छोलिया नृत्य की शुरुआत खस राजाओं के समय हुई थी, जब तलवार की नोक पर विवाह हुआ करते थे, और चंद राजाओं के आगमन के बाद यह नृत्य क्षत्रियों की पहचान बन गया। यही कारण है कि कुमाऊं में अभी भी दूल्हे को कुंवर या राजा कहा जाता है, छलिया को शुभ माना जाता है। इसके साथ ही एक धारणा यह भी है कि यह बुरी आत्माओं और राक्षसों से बारातियों को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा छोलिया नृत्य में कुमाऊं के परंपरागत वाद्य यंत्रों तुरी, नागफनी और रणसिंह प्रमुख तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग पहले युद्ध के समय सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता था। वहीं ताल वादों में ढोल और दमाऊ का भी प्रयोग किया जाता है।